देवास के चामुंडा कॉम्प्लेक्स के सामने शनिवार सुबह शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र की गाड़ी से अज्ञात लोगों ने चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन फरियादी ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के बेटे पवेल राजानी निवासी सिविल लाइन शनिवार को किसी काम से ICH आए थे। काम खत्म कर वह सुबह करीब 10:45 पर अपनी कार से जाने लगे। दो पहिया वाहन सवार उनके पास आया और कहा कि कार से ऑयल लीक हो रहा है। इसके बाद वह कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही पवेल राजानी ने देखा तो बोनट से ऑयल टपक रहा था। जब वे वापस गाड़ी में आए तो पिछले सीट पर मिर्च पाउडर पड़ा था और दो पहिया वाहन सवार की हरकतें भी संदिग्ध थी। इसके बाद पवेल राजानी कोतवाली थाने पहुंचे और आवेदन दिया। घटना के संबंध में पवेल राजानी ने क्या कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। सुबह 10:30 के करीब मैं ICH पर आया था मेरे किसी काम से। मेरी गाड़ी पर फ्रंट में किसी ने ऑयल फेंका, गाड़ी के पीछे वाले कांच से किसी ने उसमें मिर्ची डालने की कोशिश करी। हमें किसी ने ऐसे बताया कि आगे ऑयल है और मेरा कुछ सामान वगैरह गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, उसे अंजाम देने की कोशिश की गई। बहरहाल लूट का यह तरीका नया नहीं है, इससे पहले भी इस योजनाबद्ध तरीकों से वारदात को अंजाम दिया जाता रहा है। अब देखना है पुलिस ऐसे अपराधियों को कब तक हिरासत में लेती है।